न्यायालयीन आदेश के बाद हरकत में आए आरटीओ विभाग ने बिना परमिट बीमा आदि दस्तावेजों के ऑटो संचालन करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान ने ऑटो संचालकों की नींद उड़ा दी है। ऑटो चालक दस्तावेज पूर्ण कराने के लिए लगातार समय मांग रहे हैं। आरटीओ अधिकारी बरखा गौड़ ने बताया कि आरटीओ कार्यालय परिसर में कैंप लगाकर दस्तावेज पूर्ण कराए जा रहे हैं। ऑटो चालकों को सभी दस्तावेज पूर्ण होने के बाद ही संचालन की अनुमति होगी, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेनली इसका उद्देश्य ये है कि सभी ऑटो संचालक हैं और इवन जो भी सभी वाहनों के चालक हैं, हम अपने अपने दस्तावेज कंप्लीट कराएं। जयंत का ये कहना है कि हमको एक दिन में इतना ऑटो आ नहीं पाएंगे, कम से कम 8 दिन का समय देते हम सभी के मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी कागजात हैं वो जमा कर सकते हैं। मेरा यही कहना है इस बात में कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना दस्तावेज पूर्ण करा लें, एक दिन में जितने कंप्लीट करा सके, बाकी चाहें तो कल करा लें। उनका ये भी कहना है कि अभी भागवत कथा चलते हैं, श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, तो हमारे पास जो राशि दें उसको लेके हम ऑटो चला सकते हैं, पर यदि परमिशन मिल जाए तो बोले अच्छे हैं, अभी किसी को चला नहीं दे रहे हैं। बोले दस्तावेज पूर्ण कराते जाए निकालते जाए। दस्तावेज तो पूर्ण करा रहे हैं लेकिन उनका 8 डेट तो हो गए, लेकिन वो थोड़ा समय मांग रहे हैं, ऐसा कार्य चल रहा है उनका भी। तो हम ये मान के चले कि ये तो 150 हो गए, ये तो अपनी गाड़ियाँ निकाल सकते हैं, ऐसे कम्प्लीट कराते हैं। मैं समस्या तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो खरगोन शहर में आज कार्रवाई हो रही है पिछले 3 दिनों से, कि ऑटो को घर घर से गली गली से पकड़ कर कोर्ट केस किए जा रहे हैं, चालान बनाए जा रहे हैं बगैर परमिट बगैर बीमा वाले फिटनेस वालों, तो हमने मैडम से आरटीओ मैडम से निवेदन करा है कि हमको 8 से 10 दिन का समय दिया जाए, हमको ऑटो के कागज कम्प्लीट करवा दिए करवा देंगे। हम मैडम ने कैंप लगा दिया है, वो कम से कम आज की आज ही है कम से कम 100 से 150 ऑटो के कागज कम्प्लीट करवा चुके हैं, कही रहे हैं आप भी देख रहे हो, फिर भी मैडम और इनके शासन से हमारा अभी भी निवेदन है कि कम से कम 8 दिन के लिए कार्रवाई थोड़ा। क्या किस तरह के कागजात वगैरह मंग रहे हैं? परमिट आपने जमा कर दिए, बनवाने का आवेदन कर दिए। मैडम जी ने क्या बोला आपको? मैडम जी ने तो बोला कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कार्रवाई तो चलती रहेगी, आप कागज बताओ और गाड़ी ले लाओ। क्या नाम है आपका? विनोद पाल, ऑटो यूनियन नगर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।